आई कैन इज 100 टाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन आई क्यू. हेलो एवरीबडी, वेलकम टू द सेशन ऑफ करंट अफेयर्स विद मी यज्ञसनी पात्रा. फर्स्ट आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस ऑफ यस्टरडेज क्विज एंड देन वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन ऑफ टुडे. This entire series is very, very important for the ASO examination, OPSC, UPSC and all your target examinations that you are going to give. So, yesterday my first question was, Hundru Waterfalls ko river rache? Hundru Waterfalls is on the Subarnarekha River. It is a very important river of Jharkhand as you know and then it flows into Odisha. Second question, relative humidity or temperature bitre difference relation kaun tha hai? So, relative humidity varies inversely with the temperature. So suppose there is an air packet, as and when the temperature increases, the capacity to hold moisture will also increase. And what is relative humidity? It is the percentage of moisture in the air packet. So jodi capacity baduchi, percentage kami jibo for a particular amount of moisture. So the relative humidity is inversely proportional to the temperature. Third question thila, you know that Lok Sabha and state legislative assemblies, the certain seats are reserved for the SC and the ST candidates. So my question was, which article talks about this? Now for the Lok Sabha, article 330 discusses the reservation of the seat for SC and ST. In Lok Sabha, 84 seats are reserved for the SC and 47 seats are reserved for the ST. Every 10 years, this is again renewed, you can say. And for the state legislative assemblies, article 332 discusses the same thing. नेक्स्ट क्वेश्चन थिला, जम्मू एंड कश्मीर रे को कमिटी इज आफ्टर द डिलिमिटेशन, सो बिकॉज यू नो लेजिस्लेटिव असेंबली तारो इलेक्शन होबा को जाउची तो कंस्टिट्यूएंसीज के रहबो. फॉर द फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इज गोइंग टू हैव रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल ट्राइब. सो विच कमिटी इज बिहाइंड ऑल दीज एंड काफी टाइम रू दिस कमिटी इज अगेन एंड अगेन गेटिंग द एक्सटेंशन. सो दिस कमिटी इज जस्टिस रंजना प्रकाश देवी कमिटी, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कमिटी, सॉरी, बिहाइंड जम्मू एंड कश्मीर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड अबाउट कृष्णा रिवर. कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑल स्टेट्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कृष्णा रिवर इज अ पेनिनसुलर रिवर इन साउथ इंडिया. इट ओरिजिनेट्स इन महाबलेश्वर हिल्स एंड कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू फोर स्टेट्स, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. क्वेश्चन नंबर 5, फॉकलैंड आइलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका. रिसेंटली डिस्प्यूट न्यूज वॉज देयर रिगार्डिंग द डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज. सो फॉकलैंड आईलैंड को नेकिना को दुईटा कंट्रीज विद डिस्प्यूट अच्छे. द करेक्ट आंसर इज यूके, ब्रिटेन एंड अर्जेंटीना. ऑन वन हैंड चाइना इज हेल्पिंग अर्जेंटीना टू एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द फॉकलैंड आईलैंड. ऑन द अदर हैंड ब्रिटेन इज ट्राइंग टू इंक्रीज द इन्फ्लुएंस इन द फॉकलैंड आईलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन थी अंक टायर रो हेडक्वार्टर कौटी अच्छे. सो द करेक्ट आंसर इज इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड, अंकटायर हेडक्वार्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, मलावी हैज डिक्लेयर्ड अ पोलियो आउटब्रेक राइट नाउ, वाइल्ड पोलियो वायरस इज स्प्रेडिंग इन मलावी. माई क्वेश्चन वॉज, पोलियो स्प्रेड्स बिकॉज ऑफ विच पैथोजन, वायरल था, बैक्टेरियल था, वॉट इज इट? सो पोलियो इज अ वायरल डिजीज, या को पोलियो माइलिटिस कहती. इट इज अ फ्लाइवी वायरस क्लास ऑफ वायरस एंड पोलियो अफेक्ट करे स्पाइनल कॉर्ड को एंड इट रेंडर्स द पर्सन एज पैरालिटिक एंड एतरे किसी खास क्योर न था. पोलियो इज अ डिजीज विच इज ऑलमोस्ट इराडिकेटेड फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजेरिया एंड केबे केबे वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो भी अफ्रीकन कंट्रीज रे देखा जाउछे. सो ओरल पोलियो वायरस, यू नो दैट इज अ वीकेंड बट लाइव वायरस. तो समटाइम्स वॉट हैपन्स, वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो इज ऑल्सो सीन. ओके, सो पोलियो इज अ वायरल डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, रिसेंटली इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी 2022 अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन यूनियन सबमिट टुक प्लेस, वेन्यू कोठी थिला? द करेक्ट आंसर इज ब्रुसेल्स इन बेल्जियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड विद? सो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड विद द प्लास्टिक वेस्ट, द ई वेस्ट. ई वेस्ट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 95% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इन इंडिया आर treated informally. So it is very much required to, you know, handle this waste that are recycled proper ho. And the supplier should also acquire a stake in the recyclability in the treatment of these waste. So e-waste management rule 2011 ro India re achi. Further taro amendment hechi 2016 re. And also
You know, the first e-waste clinic of India is present in Bhopal, Madhya Pradesh. Then e-waste हमें कहाँ को कहते हो? As I just now said, e-waste is the short form of electronic waste. CFL, mercury lamps, all these things. So extended producer responsibility, deposit refund scheme, PROs. These are certain other things जहाँ पर अपन टिके रिसर्च या कुने की ना करे पारे बे. Last question was regarding Japanese encephalitis. My question was Japanese encephalitis क्यों पैथोजन कारण रोहित है. सो जापानीज एंसेफेलाइटिस कारण रो एवरी ईयर यू विल सी हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन डाई. दिस इज अ वायरल डिजीज एंड इट इज ब्रॉट बाय द क्यूलेक्स मस्किटो. देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एंड बायोटेक्नोलॉजी कौटी अच्छे हैदराबाद रे अच्छे. दिस इंस्टीट्यूट NIAB वॉज इन न्यूज बिकॉज दे हैव डेवलप्ड अ लेस हजार्डस नोवेल मटेरियल जो थे कि जापानीज एनसेफेलाइटिस डिटेक्शन करा जाए परिबो. सो अर्ली डायग्नोसिस रू मोर्टालिटी यानी कि डेथ कैन बी अवॉइडेड बिकॉज जापानीज एनसेफेलाइटिस इज इनक्यूरेबल रिमेंबर. सो दीज वर ऑल द क्विजेस ऑफ येस्टरडे एंड कांग्रेचुलेशंस टू दोज हु हैव गॉट इट ऑल करेक्ट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्विज ऑफ टुडे. सो यू नो दैट रशिया एंड यूक्रेन हैव बीन इन कॉन्स्टेंट स्ट्राइफ राइट नाउ. वॉर लाइक सिचुएशन इज गोइंग ऑन. So regarding that, my first question is Donbas area of Ukraine, for which mineral this area is famous. Then second question, you must have heard about Nord pipeline. So Nord pipeline 1 was functional and recently Nord pipeline 2 be functional ache. Nord pipeline connects which two countries? So it is a gas pipeline via Baltic Sea and connects which two country. Third question hoche, so you must have heard about capex loan in the budget 2022. Capex loan, which is the short form of capital expenditure, it is a zero interest loan which is extended by the union government to the state governments so that capital can be given to the states aur setre samane kichhi infrastructural jinsa karibe jemti ki highways, hospitals, etc. And my question is, for how many years the capex loan is given. Next question hoche, recently India has signed SEPA agreement with which country, and in this agreement for the first time digital trade e-commerce has also been included. So co country sangre a agreement kara jai chhe SEPA. Then question number 5, you must have heard about the intellectual property TRIPS. TRIPS is associated with which international organization? Try to answer. Next question, again from the Russia-Ukraine issue. So this is a group of 4 countries and these countries all are the member of NATO. ए समस्ते NATO रो members अच्छन्ते and निज निज को एक दूसरा को माने help करन्ते. ए group 4 countries को कहन्ते Visegrad 4 countries. So you have to tell me which are these countries because recently it is becoming 2x2 countries. Okay. Question number 7. 3C initiative recently in news. 3C initiative is a group of 12 countries and on 3C this initiative is there. So you have to tell me which are the 3C. Okay. Question number 8. Recently Japan has put a proposal ki Sado Island ko UNESCO site kar daba katha. So where is the Sado Island located? In which country? Sado Island ache. Ajiro questions tike tough rahebo and let's see who can answer. Question number 9. Achha guys, you guys are answering the questions very amazingly daily. I am delighted to see your comments. It's amazing that you guys are engaging a lot with these videos. So humble request is that if you find the video helpful, please do share it with maximum people and we can get a lot of people engaged into this platform. So it will be really great. Okay, so please share the video with your friends and do not stop commenting. That gives a boost to me. Okay. Next question hoche about MSME. So you guys know that MSME is called as the growth engine of the country, of the Indian economy. So MSMEs cater to PSUs. PSUs man ko bhi service diyante, big corporates ko service diyante. To tara jo billing wagera tha hai, billing gote particular cycle rahi hobo. But before even getting that billing, through auction या through any other method, जदि से मैंने loan पाई पारे by using those bills, if they can get the loan,
तो या पे गोटे पूरा सिस्टम अच्छे विच इज एस्पेशली फॉर दि बिलिंग थ्रू ऑक्शन डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स जोटा कि एमएसएमई पाई रोचे एंड इट इनवॉल्व्स एमएसएमई सर्विस टू द पीएसयूज टू द गवर्नमेंट सेक्टर टू द बिग कॉर्पोरेट्स यू हैव टू टेल मी विच इज दिस सिस्टम बजट 2022 एंड इकोनॉमिक सर्वे यार मेंशन थिला और यार काफी तारीफ करा जाय छे कि इट इज अ वेरी फेनोमिनल प्लेटफॉर्म विच इज यू नो अलाउिंग द एमएसएमईज टू परफॉर्म अन इंटरप्टेडली. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. One of the neighboring countries of India has recently declared financial emergency because their forex has declined. They are unable to get adequate amount of the fuel that they want. So, can you tell me which is this country? These were the questions of today. Tomorrow, I'll bring the video where I'll share the solutions of today and again we'll discuss some new questions. Hope you like this session. Share this video with maximum people and you can join me on Telegram for daily quiz. My Telegram channel is Yagya OPSC ASO Prep and on Unacademy I have made courses on all the GS subjects. You can watch my courses and while taking the plus subscription, please remember to use the referral code Yagya10, YAGYA10. See you tomorrow. Good night. God bless you.